सो so फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को चैनल तो पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे भारत सरकार द्वारा जारी करी गई इस स्कीम के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न ही नहीं बल्कि आपका एक फंड भी यहां पर क्रिएट होने वाला है अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्कीम के अंदर आप निवेश करके यहां पर एक अच्छा खासा फंड क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी इस स्कीम के अंदर यहां पर एक रिटर्न तो आपको मिलता ही है उसी के साथ साथ यहां पर मिच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी यहां पर आपके रिटायरमेंट पे या फिर आपके फ्यूचर अर्निंग पर बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है आइए इस स्कीम की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं जहां पर इस स्कीम के अंदर कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है अगर आप प्री मिच्योर विड्रोवल करवाते हैं या फिर क्लोजर करवाते क्या होगी इसकी मिच्योरिटी पीरियड क्या इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा सकता है उसी के साथ साथ अगर आप एडवांस डिपोजिट देते हैं या फिर अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इस स्कीम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो दो के अंदर जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2022 की इसके अंदर पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस स्कीम के बारे में जानकारी पूरी की पूरी यहां पर मिलने वाली इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को तक जरूर देखिएगा चैनल पर नएगाबल इंटरेस्ट रेट है जो लेटेस्ट यहां पर दी गई है तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते यहां पर आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पोस्ट ऑफिस की कौन यहां पर एलिजिबल होने वाला है तो यहां पर कोई भी रेसिडेंट इंडियन जो सिंगल एडल्ट है वो यहां पर एलिजिबल होने वाला है तो यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडियन है तो यहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना रिकरिंग डिपोजिट का उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अप टू तीन एडल्ट के साथ यहां पर आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं जिसके अंदर ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी आपसे जुड़ जाएंगे उसी के साथ साथ अगर यहां पर कोई माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उस केस में यहां पर गार्जियन अकाउंट गार्जियन के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है एंड अगर कोई माइनर है जिनकी एज 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद अपने नाम पर भी यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं तो ये तो हमने बात कर दी एलिजिबिलिटी की अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कितना यहां पर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं डिपॉजिट की तो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में कैसे यहां पर आप डिपोजिट करवा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप कैश और चेक दोनों में यहां पर डिपोजिट करवा सकते हैं अगर आप चेक में करवाते हैं तो जिस दिन यहां पर आपका क्लियरेंस होगा चेक वही आपकी डेट ऑफ डिपोजिट मानी जाएगी उसी के साथ साथ यहां पर कितना आप मिनिमम डिपोजिट कर सकते हैं यहां पर हंड्रेड रुपीज मंथली आप यहां पर मिनिमम डिपोजिट कर सकते हैं एंड मल्टीपल में आप टेन रुपीज यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं यानी अगर आपने सौ रुपए की है तो आप 110 120 ऐसे मल्टीपल में 10 10 के यहां पर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट यहां पर नहीं दी गई है ध्यान रखिएगा अगर आपने किसी भी मंथ के पंद्रह तारीख से पहले अगर अकाउंट खुलवाया है तो आप पंद्रह तारीख तक यहां पर डिपोजिट करवा सकते हैं बट अगर आपने 15 तारीख के बाद डिपॉजिट करवाया तो लास्ट वर्किंग डे पर आप सब्सिक्यूंट यहां पर डिपॉजिट करवा सकते हैं अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अकाउंट कितने यहां पर आप होल्ड कर सकते हैं तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट यहां पर आप होल्ड कर सकते हैं आप चाहे तो यहां पर एक से लेकर और भी मैक्सिमम कितने भी नंबर यहां पर आप अकाउंट यहां पर आरडी स्कीम में होल्ड कर सकते हैं चाहे आप सिंगल करें या आप ज्वाइंटली करें तो यहां पर कोई भी लिमिट यहां पर नहीं दी गई है अब आ जाते बात कर लेते हैं एडवांस डिपोजिट की तो यहां पर पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आप एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है तो यहां पर आप पांच साल तक एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं उसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस आपको यहां पर रिबेट भी देता है सौ रुपए तक का अगर यहां पर एटलीस्ट सिक्स इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर आप यहां पर एडवांस डिपॉजिट करवाते हैं इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ डिपॉजिट यहां पर आपको जो है हंड्रेड रुपीज तक का यहां पर जो है रिबेट मिलने वाला है उसी के साथ साथ जानते हैं डिनोमिनेशन क्या होगी रिबेट की यहां पर अगर सिक्स महीने के लिए तो आपको दस रुपए के हिसाब से यहां पर रिबेट मिलेगा और बारह महीने का है तो यहां पर फोर्टी रुपीज के हिसाब से आपको यहां पर रिबेट मिलने वाला है और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर कि एडवांस डिपॉजिट आप एडवांस डिपॉजिट आप कब करवा सकते हैं जब आपने अकाउंट खुलवाया है आप तभी भी करवा सकते हैं एडवांस डिपॉजिट या फिर अकाउंट खुलने के बाद कभी भी डेर आफ्टर कभी भी यहां पर आप चाहें तो यहां पर एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं बात कर लेते हैं यहां पर पोस्ट ऑफिस आपको लोन की भी फैसिलिटी देता है तो आइए समझते क्या है यहां पर लोन की फैसिलिटी अगर यहां पर आप ट्वेल्व इंस्टॉलमेंट यहां पर दे देते हैं एंड आपका अकाउंट कंटिन्यू है एक साल के लिए और डिसकंटिन्यू नहीं होता है तो यहां पर जो भी आपका बैलेंस क्रेडिट है उसका 50 आप लोन अवेल कर सकते हैं ध्यान रखेगा यहां पर लोन जो है वो आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में भी रिपे कर सकते हैं या यहां पर आप लमसम में भी पेमेंट कर सकते हैं जो इंटरेस्ट यहां पर होने वाला है लोन के लिए तो वो यहां पर होगा जो भी आपका आरडी पे इंटरेस्ट लग रहा था प्लस टू परसेंट और यहां पर रहेगा यानी फाइव पॉइंट एट परसेंट यहां पर आरडी का इंटरेस्ट है प्लस टू परसेंट यानी सेवन पॉइंट एट परसेंट यहां पर लोन का इंटरेस्ट आपका होने वाला है उसी के साथ साथ यहां पर जो है लोन जो है वो यहां पर आपका इंटरेस्ट जो है कब से लगने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रोवल से लेकर टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट तक एंड अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं टिल मिच्योरिटी तक तो यहां पर आपकी जो मिच्योरिटी अमाउंट है उसमें से लोन प्लस इंटरेस्ट यहां पर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा लोन के लिए यहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक के साथ आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे अब आ जाते बात कर लेते हैं प्री विड्रोवल की तो यहां पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में आप प्री मिच्योर विड्रोवल तीन साल के बाद ही करवा सकते हैं जिस साल आपने डिपॉजिट किया उससे लेकर तीन साल के बाद यहां पर आप प्री प्रीमिच्योर विड्रोवल करवा सकते हैं उसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा अगर मिच्योरिटी से एक दिन पहले भी यहां पर प्री प्रीमिच्योर विड्रोवल करवाते हैं तो यहां पर आपको जो इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लेकिन यहां पर अगर आपने एडवांस डिपोजिट दिया है तो उस केस में यहां पर प्री प्रीमिच्योर विड्रोवल आप नहीं करवा

जिसके लिए यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो यहां पर जो आपने अकाउंट ओपन करवाया था जो इंटरेस्ट रेट अपलीकेबल थी वही इंटरेस्ट रेट पर यहां पर आपका एक्सटेंडेड अकाउंट करने वाले हैं उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप एक्सटेंडेड अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो यहां पर कभी भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन आप क्लोज करवा सकते हैं उस केस में अगर यहां पर अगर आपका कंप्लीटेड ईयरस है तो उस केस में आपको आरडी अकाउंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है बट अगर किसी ईयर के बीच में अगर आपने एक्सटेंशन को क्लोज करवा दिया तो उस केस में यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है यहां पर एक और फैसिलिटी दी गई है पोस्ट ऑफिस द्वारा आप यहां पर अकाउंट को रिटेन भी करवा सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी तो यहां पर अप टू फाइव इयर्स तक और यहां पर आप रिटेन करवा सकते हैं बिना डिपॉजिट दिए तो यहां पर अकाउंट में ये फैसिलिटी भी यहां पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी गई है अब आ जाते बात कर लेते हैं इनके इस अगर किसी की डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की तो यहां पर रिपेमेंट कैसे किया जाएगा और किसको किया जाएगा तो यहां पर डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर अगर होती है तो यहां पर नॉमिनी और जो क्लेमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं क्लेम किसी भी कंसर्ड पोस्ट ऑफिस पे एंड यहां पर बैलेंस जो अमाउंट है वो यहां पर क्लेम कर सकते हैं उसी के साथ साथ आफ्टर सेंक्शन होने के बाद यहां पर चाहे तो नॉमिनी और लीगल आईडी अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं टिल मेच्योरिटी तक और यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी उनको अप्लीकेशन यहां पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे अब आ जाते बात कर लेते हैं यहां पर अगर किसी ने यहां पर डिफॉल्टेड कर दिया है यानी अकाउंट होल्डर ने यहां पर डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में यहां पर क्या यहां पर पेनल्टी या क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं तो ध्यान रखेगा अगर आप डिफॉल्ट करते हैं आरडी अकाउंट में तो यहां पर आपको डिफॉल्टेड अमाउंट सबसे पहले यहां पर उस महीने का पे करना पड़ेगा जिस महीने का आपने डिफॉल्टेड किया है प्लस डिफॉल्टेड फीस के साथ उसके बाद यहां पर आप करंट मंथ का डिपोजिट कर सकते हैं नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं अगर आपने चार से चार या चार या चार से ज्यादा का अगर डिफॉल्ट किया है तो उस केस में यहां पर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा एंड अगर आपको अकाउंट रिवाइव करना है तो उसके लिए आपको दो महीने का समय दिया जाएगा अगर दो महीने के समय के बाद भी आपने अपना अकाउंट रिवाइव नहीं करा तो आपका अकाउंट यहां पर कोई भी फर्दर डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा और डिसकंटिन्यू परमानेंटली कर दिया जाएगा अब आ जाते बात कर लेते अगर आपके चार इंस्टॉलमेंट से कम यहां पर डिफॉल्ट है तो उस केस में यहां पर आपका जो डिफॉल्ट आप आप तो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं तो जितने दौरान यहां पर पे कर सकते हैं तो आज के हमने इस वीडियो के अंदर आरडी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहां पर देने की कोशिश करी है पोस्ट ऑफिस द्वारा दो में आरडी स्कीम के अंदर अगर आप

मिलने वाला है तो आज के वीडियो को ऐसे यही खत्म करते हैं वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा धन्यवाद